सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुंबई दौरे पर रहने वाले हैं, तो जहां पर वो उत्तराखंड भवन राज्य अतिथि गृह और एम्पोरियम का लोकार्पण करेंगे। तो उत्तराखंड भवन की लागत 39 करोड़ 73 लाख रुपए है। वहीं सीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी तैयारियों के साथ काफी उत्साह जो है वो इस दौरे को लेकर देखा जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुंबई दौरा, जहां पर कार्यकर्ताओं ने इस दौरे को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड भवन राज्य अतिथि गृह और एम्पोरियम का लोकार्पण का कार्यक्रम है, जहां शामिल होंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड भवन की जो लागत है वो 39 करोड़ 73 लाख रुपए बताई जा रही है। तो आज मुंबई दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुंबई दौरा काफी अहम क्योंकि यहाँ पर 39 करोड़ 73 लाख रुपए से उत्तराखंड भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण करने के लिए आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुंबई पहुंचेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारियां कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी कर ली गई है। तो उत्तराखंड भवन का लोकार्पण यहां पर किया जाएगा। तो मुंबई दौरे को लेकर तमाम तैयारी कार्यकर्ताओं की तरफ से, आपको बता दें कि उत्तराखंड भवन की जो लागत है वो 39 करोड़ 73 लाख रुपए बताई जा रही है। तो मुंबई राज्य में ये भवन बनाया गया है। और ताजा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुंबई पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त अब उत्तराखंड भवन राज्य अतिथि गृह और एम्पोरियम का लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जाकर दौरा किया जाता है और ऐसे में उस लिहाज से उत्तराखंड भवन काफी अहम माना जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुंबई दौरा काफी अहम और फिलहाल ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि पहुंच गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत मुंबई। जी, कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुंबई पहुंच गए थे और रात्रि विश्राम उनका राजभवन महाराष्ट्र में ही था। और भगत सिंह कोश्यारी जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसलिए रात्रि भोज भी उनके साथ उन्होंने किया। और आज लगभग 11 बजे वाशी नवी मुंबई में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण ये सभी लोग करेंगे। लगभग आपको बता दूं कि लगभग 39 करोड़ 73 लाख रुपए में ये बना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोशिश यही रहेगी सरकार की, इसकी जो यहाँ से चाहे मरीज जाते हैं, चाहे जो वीआईपी जाते हैं, चाहे आम जनता जाती है, तो वहाँ पे जाके किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सरकार के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये जो एम्पोरियम बना है या फिर गेस्ट हाउस बना है तो उसका उपयोग ये कर सके। और कोशिश यही रही सरकार की इसको बनाने की कि उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो लोगों को पता चले, उसीलिए थोड़ा जो उसका आर्किटेक्चर भी है वो थोड़ा पहाड़ी उससे इंस्पायर्ड है, पहाड़ी आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो कोशिश सरकार यही कह रही है और मुख्यमंत्री ने भी कहा, जब हमारी कल उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो, क्योंकि मुंबई जाते हैं तो चाहे कैंसर के पीड़ित हों या फिर इसके अलावा कई अन्य बीमारियों के पीड़ित भी जाते हैं, तो उनको भी सरकार कोशिश रहेगी कि रियायती दरों पर वहां पर रहने की सुविधा मुहैया कराए। लेकिन कुल मिलाकर आज लगभग 11 बजे ये लोकार्पण हो जाएगा और 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। वहाँ के जो सरकार के मंत्री है, महाराष्ट्र सरकार के, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक है वहाँ के, वो मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल जो महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड से भी कई डिग्निटरीज यहाँ से गए हैं, कई गणमान्य यहाँ से गए हैं, मेयर देहरादून के गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता यहाँ से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सभी इस कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो 39 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से इस उत्तराखंड भवन को बनाया गया है, जिससे सीधा लोगों को फायदा पहुंचेगा।